तरह कैंसर जो होते हैं, चाहे ब्रेस्ट का हो, चाहे लंग्स का हो, चाहे और किसी का हो, उन सब के अलग अलग इक्विपमेंट हैं। इस प्रकार से ऑन द स्पॉट जाके स्टडी करेंगे, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, तो कम से कम इलाज जल्दी होना प्रारंभ हो जाता है, तो जाके संभावना होती है मरीज के बचने की। अनफॉर्चुनेटली 60-70% लोग वो जाते हैं, ये थर्ड स्टेज आ चुका होता है, थर्ड स्टेज आ चुका है, उसके बाद लोग बचते नहीं हैं। इलाज तो करवाते हैं, तो हमारा प्रयास है कि अवेयरनेस का प्रोग्राम बड़े रूप में हाथ में लिया गया है। अभी ये संभावना जा रही है, अभी अभी हिंदुस्तान जिंक ने जो है कहा गया, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि हम तीन जो नए मैंने संभाग बांसवाड़ा, सीकर और पाली, वहाँ भी वो गाड़ी देंगे इस प्रकार की, तो सभी संभागों के अंदर ये गाड़ी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि करीब 2 साल पहले मिस्टर एलन मित्तल आए थे यहाँ पर, एक गाड़ी यहाँ पर आगे खड़ी हुई थी, उस दिन हमने उनको रिक्वेस्ट की थी, गाड़ी उन्होंने दी थी। इस प्रकार से अलग अलग जो हिंदुस्तान जिंक अलग दे रहा है, और मुझे नहीं मालूम कौन कौन सा इसको मालूम है भाई, ना भाई एसपीसीएल ने दी एक गाड़ी दी है, और किसी दी है मालूम डॉक्टर साहब, किसी गाड़ी दी और किसी दी है, कौन है वो अंदर मीटिंग, कोई बात नहीं, विभिन्न संस्थाओं ने दी गाड़ी दी है। और अभी भी जो घोषणा की है, जो कि हिंदुस्तान जिंक ने की है, हम तीनों गाड़ी हम दे देंगे नए संभाग का। देखिए अब आप आर ई सी एल बीकानेर में दी है, HPCL क्योंकि रिफाइनरी बन रही है वहाँ पर पचपदरा में, तो जो तो संभाग में आते, इसलिए मैंने कहा इसीलिए आपने HPCL ने दिए, HPCL के साथ रिफाइनरी बन रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में दी है, ग्रीनको ने दिए कोटा में, रिलायंस ने दिए अजमेर में, एलन मित्तल HEML भरतपुर में दी है, और रिन्यू पावर SMS मेडिकल में दी है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ कि गांव-गांव में जाकर गाड़ी खड़ी होगी, तो महिलाएं हैं या पुरुष जो भी हैं, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो इलाज संभव होगा, तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम ही है। वैसे मेडिकल में हम लोग जो है नंबर 1 देश में, आज भी मौजूद हैं और मजबूत होंगे और जाने वाले आने वाले वक्त में, क्योंकि जब हेल्थ राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम किस प्रकार से राइट टू हेल्थ एक्ट को लागू करवाएं जिससे कि सबको राहत मिले। चिरंजीवी योजना उसका पार्ट है, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान उसका पार्ट है, उसी दिशा में मैं समझता हूँ ये सब काम हो रहे हैं। बिजली संकट को लेकर रात को आपने मीटिंग ली थी, रात को 12 बजे तक मीटिंग चलती रही हमारी, चीफ सेक्रेटरी साहब और सब जो अधिकारी लोग सब थे वहाँ पे, 3 फेज हमने किए, तो पावर कट ना करना पड़ेगा, पावर कट उद्योगों के अंदर उसका कोई इलाज नहीं है। एक जो दिन को हम लोग बिजली दे रहे थे कई जिलों के अंदर, वहाँ पर रात को शिफ्ट करना पड़ेगा कई जिलों के अंदर, और मैंने बात की दो विधायकों से भी रात को 12 बजे, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बिजली मिलनी चाहिए किसान को, किसान बर्दाश्त कर लेगा ये समस्या जो आ रही है कोल की। अच्छा, ये समस्या खाली राजस्थान की नहीं है, पूरे अधिकांश उत्तर भारत के राज्यों के अंदर समस्या है, क्योंकि मानसून का जो मिजाज बदला है उसके कारण से जो अगस्त के अंदर पीक आवर आ गया, सब जगह सब राज्यों में प्रॉब्लम पैदा हो रही, सब राज्यों में हो रही पैदा हो रही, हम लोग फिर मैनेज कर रहे हैं। तो ये कल फैसले जो किए हमने, दिन को रात करना, रात को बिजली देना, और साथ में ये आपका इंडस्ट्री कट लगाना, मैं समझता हूँ असर पड़ेगा और काफी हद तक समस्या का समाधान होगा। आपने सर विजन की बात की है तो जाती है, लेकिन भाजपा है वो उसके लगातार मक्खन उड़ा रहे हैं कि ये सब चुनावी है। हम तो चाहते हैं कि वो आलोचना जमके करे, मक्खन उड़ाए, जनता सब समझती है, जनता फैसला करेगी भाई कि सही कौन है और गलत बात कौन कर रहा है, जनता का फैसला होता है, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, हम उनको जवाब देना चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं हम अपना काम करते जाए बस। जैसे आज ये गाड़ी रवाना हुई है, ये हमारा अपना काम है, अब उनकी आलोचना करने में क्या कर सकता हूँ, तो ये तो देखो वो तो उनका काम, उनका वो निभाए अपना काम कर, हमें एतराज नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत तकरीबन साल भर से ज्यादा समय बाद अब पूर्वी राजस्थान में, कल भी विरोध हुआ है 2 साल,
कल मैंने क्या कहा, उनकी जिद है हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, मेरी जिद है कि हम इसको ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे। उसमें सब बात आ जाती है, वो जिस पर जिद किए बैठे हैं वादा करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद वादा करे जयपुर में अजमेर में राजस्थान की धरती पर, उसके बाद में आगे नहीं बढ़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मेरा मानना इतना ही है बस। पिछली गवर्नमेंट में काम शुरू हो चुका है, हम आगे बढ़ा रहे उस काम को। चंद्रयान के रूप में शाम को हम लोग बुलाने बच्चों को सीएम हाउस के अंदर, उनके साथ में हम लोग देखेंगे चंद्रयान पे। बहुत शुभकामनाएं हमारे साइंटिस्टों को और तमाम जो लोग जुड़े हुए इस अभियान से। बहुत ही शानदार अभियान है, ऐतिहासिक अभियान है, ये कामयाब होना बहुत आवश्यक है। शाम को जो 6 बजे के आसपास वक्त है, इंतजार रहेगा सबको। चुनाव आएंगे वहां में चुनाव छापे पड़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपका बर्थडे भी है, आपका बर्थडे है, भूपेश बघेल का आज जन्मदिवस भी है, जन्मदिवस की गिफ्ट दी जा रही है उनको ईडी के द्वारा।